लेकिन वो घर वाला चूहा नहीं है, मत सोचिए, वो बड़ा जंगल वाला चूहा है। तो कल रात हो गया था, अम्मू भैया हमें पोसते पोसते बिजने के लिए, तो मिल गया यहाँ पे ये मेबू आई भी, तो पटाखे जैसे भी अम्मू एक रूम तो ले लिया तो और लकी भी है क्योंकि कल हाथी ही नहीं निकला है वो रास्ता में, तो अभी हम लोग शायद मेबू से हम लोग पसीघाट जाएगा, तो पसीघाट से देखता है कौन सा गांव आज विजिट होगा, तो यहाँ से निकलता है अभी। टाइम तो हो ही गया, सुबह का 7 बज गया क्या, देखो 7 बज गया ना, एक जो बहुत थक जाता है रात को, नींद तो बहुत अच्छा आता है, करंट तो आते जाते करते रहता है जगह में, इसलिए तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं पसीघाट, पसीघाट से और थोड़ा सा आगे एक विलेज है वहाँ विजिट करते हैं आज। तो हम लोग हो गया क्योंकि सारा लोग कर, तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं पसीघाट, पसीघाट से देखते हैं कौन सा विलेज जाएगा, जो अंदर है विलेज पसीघाट का वहीं हम लोग विजिट करेगा। तो मौसम तो आज बारिश तो नहीं देगा शायद, धूप मौसम सुहाना है, दिल दीवाना है। गेट गेट खोलना पड़ेगा ना भैया को ना, हाँ आप निकाल, ठीक है, कौन सा खुला हुआ है ना, ठीक है, तो सामान वन रख लेते हैं। तो पहुँच चुका है हम लोग मंकू विलेज, पासीघाट से 10 या 12 किलोमीटर होगा शायद, लगता है इतना हिसाब तो नहीं कर सकता है, तो 10-12 किलोमीटर होगा मेरा हिसाब से। तो ये पहाड़ का ऊपर है, ये गेट है मंकू विलेज का, क्या लिखा हुआ है इसमें, काजू अकेम पे और कोई और दमदा, मतलब ये सब का मीनिंग तो हमको मालूम नहीं, लेकिन ये जो काजू है शायद वो बुला रहा है। तो अंदर घुसता है, ये तो गेट तो एंट्री हो गया हम लोग, तो यहाँ में मैक्सिमम यहाँ भी चांगरी है बम्बू हाउस ना, अच्छा घर भी है, बिल्डिंग भी बना के रखा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो लोग रखा हुआ है इधर। ये सारा जो एरिया है ये मंकू विलेज का अंदर गिरता है, पासीघाट सर्कल में है, पासीघाट जो टाउन है उसके अंदर, ईस्ट सियांग का। ये तो समझ में नहीं आ रही है क्या घर है, शायद इन लोग जो खेती वेती करता है उनका अपना अपना घर का एक एक बना के रखा हुआ है। जगह बहुत सुंदर है, ये पहाड़ों के बीच में ही है ये जगह, थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है ये सारा एरिया। तो हम भाई को लेके आया था, भाई को आगे रखा हुआ है, तो कहाँ चला गया मालूम नहीं वो भाई, जो यहाँ भी किसी को ढूंढ रहा हुआ रिश्तेदार। एक्चुअली आदमी लोग बहुत अच्छा है, विजिट करने से भी बहुत अच्छे से बात करता है, पूछता है कहाँ से आया है, इधर से आया है, बोलने से बहुत रिस्पेक्टफुल है यहाँ का आदमी लोग। एक्चुअली भाई जो कहीं मालूम नहीं कौन सा गली में घुस गया, तो हम ऊपर आए उसको ढूंढ के, तो हम सोचा यहाँ से एक बार उसको ढूंढ के देखेगा ऊपर से, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है भाई जो, हम सोचे यहाँ से एक बार कोशिश करके देखता है उनके, लेकिन बिल्कुल नज़र नहीं है, वो तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ भी एक गोदाम बनाए हैं लोग धान वन रखने का, तो एक घर में घुस के देखता है नीचे। अरे गावरी तो बहुत पालता है यहाँ में आदमी लोग, ये भैया तो ये एक भैया का घर है, यहाँ से आपको पूरा ये मंकू विलेज जो है यहाँ से दिखाई देता है। भैया भी कुछ कर रहा है, ये फान है क्या, ये फान है ना, ग्रुप फान ना, क्या करता है ना इसको, जंगल में चूहा मारते हैं अमुक, आरंग फेस्टिवल आ रहे थे 7 तारीख को, आरंग फेस्टिवल ना, नियम नियम
मतलब चूहा मारने का जो ये मालूम नहीं क्या बम्बू का कुछ है तो मछली भी मछली नहीं हुआ है ना सिर्फ ये चूहा मारने का। एक्चुअली इन लोग का फेस्टिवल आ रहा है, ये 7 तारीख को है आरंग फेस्टिवल। तो यहाँ में सब आदमी लोग गाँव का आदमी लोग जितना है सब ये जंगल जाके इसको चूहा मारता है। मतलब शायद अभी सीजन का सीजन भी है क्या चूहा, लेकिन वो घर वाला चूहा नहीं मत सोचिए, वो बड़ा जंगल वाला चूहा है। तो भैया बना रहा है इसको, ये फिर तार को यूज़ करेगा क्या? उसको जंगल के लिए ना। ओ अच्छा, ये वाला जो चूहा जो मारने के लिए ना, ये खाने के जब चूहा आएगा हाँ मार देगा ना चूहा। बहुत बड़ा होता है, चिंता मत करिए, कम से कम इससे भी बड़ा होता होगा चूहा, और खाने के लिए भी टेस्ट है। हम एक्चुअली ट्राई कर चुका है चूहा, ईटानगर में जब गया था तब चूहा मिला था खाने के लिए एक बार। हाँ घर का चूहा नहीं बस्ती में बहुत शांति है ना आप लोग का, ये बस्ती बहुत बड़ा है। तो ये आरा अराउंड 2-3 किलोमीटर का अंदर होगा शायद बस्ती। 100 कितना होगा? 100 पॉपुलेशन में ये भैया जैसा बोला कि तो मंगू विलेज बहुत शांति है। लेकिन अगर शांत जगह चाहिए आपको तो पहाड़ों में आइए, टाउन में बैठ के शांति नहीं मिलता, गाड़ी का साउंड। वो साइड में उल्क होगा ना। हाँ ठीक है ठीक है। तो भैया का यहाँ से निकल गया, तो भाई जो एक बोला है कि नीचे में है तो जाके उसको देखेगा भैया। तो चूहा शायद 7 तारीख के बाद अगर आने से ठीक था यहाँ में तो चूहा खाने मिलना था हम लोग को। तो नीचे देख जाके देखते हैं, उसको ढूंढना पड़ेगा उसको, क्योंकि गली में बोला कौन सा गली में मालूम नहीं अभी। भाई तो बोले नीचे डाउन टर्निंग में है लेकिन कहाँ में पता नहीं, अभी उसको ढूंढना भी मुश्किल है। ओ मिल गया मिल गया मिल गया आपका उधर में आ रहा है भाई जो। तो भाई भी आ चुका है अभी, तो गांव जो है बहुत शांति है, और अगर आप विजिट करना चाहेगा तो ज़रूर आइए। ये गांव में इतना 100 आदमी का ही पॉपुलेशन है यहाँ में, सिर्फ छोटा सा गांव है, प्यारा है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम लोग को और कुछ गांव में विज़िट करना है, तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग अभी। अभी फिर कौन सा गांव जाएगा लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया। देखो कौन सा गाँव जाएगा वो? अभी हम लोग जाएगा सिलुक। सिलुक मालूम नहीं कौन सा गांव जाएगा, तो देखता है कौन सा गांव में विजिट होगा अभी नेक्स्ट टाइम।